بسم الله الرحمن الرحيم. Wenn Mutter sagen, bitte schalte aber die Bilder, wo sie schalten, die uns sagen, wann ich mal was die Film können wir nicht hören können. Aber die schalte aber die Bilder, die uns schalten, die uns sagen, wann ich mal was die können wir nicht hören können. Kein Atem, wenn er schalte aber die Bilder, Iblis legen die Karten und dachten, die Atem des Mannes, das mit. Ich bin die Schraube, sie erlaubt die Geheimatik. Ich bin der Schall, sie erlaubt die Geheimatik. Die Buße, die Atem des Seiden, oder die Tazin von der Karten. Hä, ihr Schall, ich bin die andere Geheime. Es sei Geheimatik, die Pater noch gehen. Jeder alle Salam da getragen, ne kere, wo Schaitan kann. साहिबान ईमान वास्ते क्या बात है जिस मराउन में हजरत इमाम हुसैन कादम ने सलाम की मुस्ताहिक ये बहुत बड़ा शर पैदा किया है लेकिन इस शर भी चाहो उस मराउन में खाली कैफर किताब तक पहुँचाए उधर कुछ एक खैर भी नहीं खैर ही नहीं कि जुमे रात शाम उलामाए अहले सुन्नत दम खुद इनाम सुने उन्होंने फरमाया कल का जो जुमा आ रहा है जो बंदा मिंबर रसूल की शबी को इस्तेमाल करके जुमे का खुतबा दें वो लोगों पे वाज़े करे कि मूसा काज़िम किसे कहते हैं अगरचे बहुत बड़ा शर पैदा किया गया कितना लेकिन उसे एक खैर निकली कि जिन्हें लोगों तक इतला नहीं सी कि मूसा काज़िम का इस्लाम कौन है उन्हें बच्चों की तवज्जो की थी कि कड़ी शख्सियत है जिदी इज्जत के मामले चाहे सुनत भी परेशान रहे शिया भी परेशान रहे और अहले हदीस ने बहुत बड़े आलम दीन ने भी ऐलान किया कि असी भी परेशान हाँ और मैंने अच्छा लुत्फ आया जो एक अहले हदीस आलम दीन ने यह आख्या कि जो मूसा काज़िम अलैहि सलाम की इज्जत से वाकिफ नहीं वो मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं है इंसान भी नहीं मतलब अगर चे इशारे लेकर खैर नहीं अच्छा एक मैं गुजारिश करना चाहना अपने नौजवानों बारह इमाम साढ़े मालूम ये मुतलक शेख वहीदो समान अहले हदीस उन्हें शरा मुस्लिम शरीफ की थी उन्हें अपनी किताब हदीयत उल महदी च लिखा है कि जो नबी बारह खलीफा छोड़ के गए हैं वो यही हैं जो अली से शुरू होते हैं और महदी अलैहि सलाम तक आते हैं वो फरमाते हैं इनका हुकूमत से ताल्लुक नहीं इनका दीन की पासवानी से ताल्लुक है ये हदायत के आयमा है मेरी गुजारिश अपने नौजवान दोस्तों बच्चों ने भी कि अगर बारह इमाम सब याद हैं तो फिर बारह इमाम सिर्फ बारह इमाम ही याद होने चाहिए कम से कम हर एक इमाम की जिंदगी का एक वाक्या तो किसी शिया बच्चे को होना चाहिए गुजारिश मैंने कर कि तुहाड़ा इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मुसलमान उन्हें दी शहादत अगर कोई बंदा तुम पुछता है कि तुम्हारे किन्ने इमाम हैं तुम सोच साझ के दस सकते हो कि सारे नाम ही इमाम हैं जो आता उन्होंने जिंदगी का एक वाक्य सुनाओ अच्छा असा नहीं सुनाना तो किन्ने सुना नहीं बंद करो ये बच्चे सारे अपने इमाम की जिंदगी का एक वाक्य जरूर याद कर जिमें हजरत अली का खैबर याद है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह याद है यानी दो तीन इमामों तो बाद बंदे पढ़ने चले